चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन की मुमकिन तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने PTI कोर कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सीनियर रहनुमा अलीम ख़ान का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का फैसला। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान तमाम मुश्किलात से बाहर निकलेंगे और इन सब को एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। औरत मार्च को सिक्योरिटी ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, औरत मार्च को मजबूत अंदाज में देखें, वो इस्लाम में दिए गए अपने हुकूक मांग रही हैं। पिशावर धमाका, खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों की नई वीडियो सामने आ गई। सहूलतकारों के साथ खुदकुश हमलावर को हाथी गेट से दाखिल हुआ और पुलिस अहलकारों और नमाजियों पर फायरिंग की। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए PTI की कोर कमेटी के मुशावरती इजलास में मुल्की सियासी सूरतेहाल का जायज़ा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने PTI कोर कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया और तमाम कमेटी अरकान को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरतेहाल और बल्दियाती इंतखाबात पर मशावरत की गई। तमाम कमेटी अरकान को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने की हिदायत की गई। कोर कमेटी मुजवजा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी मशावरत की गई, जबकि कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी सूरतेहाल और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन के ग्रुप ने आज लाहौर में अहम मशावरती इजलास तलब कर रखा है। इजलास जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर सूबाई वजीर अलीम ख़ान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इससे कबल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम ख़ान से मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने भी राब्ता किया है, जबकि खुद अलीम ख़ान ने सिर्फ 3 दिन में 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की। अरकान में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। हमें किसी मार्च से कोई मसला नहीं, हम लॉन्ग मार्च में रुकावटें पैदा नहीं करेंगे। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा, 22 से 24 मार्च तक इस्लामाबाद में वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रास्ता बदला जो खुशाइन है, हम इन्हें मुतबादल रास्ता और जगह देंगे। हम लॉन्ग मार्च में रुकावटें पैदा नहीं करेंगे। खवातीन मार्च की बच्चियों को भी कहना चाहता हूं कि बेशक वो मार्च करें, लेकिन जगह का इंतखाब सोच कर करें। इस्लामी मुमालिक के मेहमान आ रहे हैं, इस दौरान आम तातील होगी। 23 मार्च को फ्लाइंग मार्च और तारीखी परेड होगी। J10C तैयारे भी मार्च करेंगे। और इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं अपनी बच्चियों को कल जो मार्च, खवातीन मार्च है,
उनमें दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चारों के चारों बेशक वो इज्तिजाज करें, लेकिन वक्त और जगह के तय्यन का मैंने डीसी को कहा है, उनसे बातचीत करें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन कह रही है एम्पायर न्यूट्रल है, जो अच्छी बात है, लेकिन ओपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक में नाकाम हुई तो कह देगी थर्ड एम्पायर आ गया। ओपोजिशन कह रही है हमारे बंदे पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी, इमरान खान तमाम मुश्किलात से बाहर निकलेंगे और इन सब को एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। वजीर दाखला का कहना था कि ओपोजिशन में इतनी अकल नहीं कि वो हालात के तकाजों को समझे, मुल्क जलजले सैलाब से नहीं इंतशार से तबाह होते हैं। हमारे पास इत्तलात हैं कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहती हैं, दुनिया में आलमी जंग के खतरात हैं, ओपोजिशन क्या कर रही है। मेरी जाती राय है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। वजीर दाखला शेख रशीद का कहना था कि पेशावर धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता चला लिया है, हमले में शामिल 6 के बंदे हमारे रिडार में आ गए हैं। तालिबान ने कहा कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो 6 लोगों तक हम पहुँच गए हैं, ये KP के पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने सारा उनका नेटवर्क और सारा स्लीपिंग सेल जितना है 6 बंदों का वो हमारे रडार में आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने औरत मार्च को सिक्योरिटी ना देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने औरत मार्च को सिक्योरिटी ना देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने औरत मार्च को सिक्योरिटी ना देने के खिलाफ निगहत सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 8 को औरत मार्च है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही, लिहाजा अदालत मार्च को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी करे। वाज़ह रहे कि दुनिया भर में हर साल 8 को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में इस दिन की मुनासबत से औरत मार्च मुनक़िद किया जाता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें विफाक को बज़रिया वज़ारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को फरीक बनाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में धमाके की तहकीकात जारी हैं। खुदकुश हमलावर के जाए वकूआ तक पहुंचने की नई वीडियो सामने आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में धमाके की तहकीकात जारी हैं। खुदकुश हमलावर के जाए वकूआ तक पहुंचने की नई वीडियो सामने आ गई। सहूलतकारों के साथ गुवाहाटी गेट में दाखिले का मंजर वाज़ेह है, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ, जिससे नमाजियों में अफरा तफरी फैल गई। वीडियो में सहूलतकारों के साथ खुदकुश हमला आवर गुवाहाटी गेट में दाखिल हुआ। हमला आवर ने पुलिस अहलकारों और नमाजियों पर फायरिंग की और बाद में मस्जिद में दाखिल हुआ। फायरिंग से एक सिपाही और गली में मौजूद नमाजी जा भाग, जबकि दीगर हवास पख्ता हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सहूलतकारों ने खुदकुश बमबार को कोचे रिसालदार के करीब पहुंचने पर रोका। हमला आवर एक रिक्शे की आड़ में अपने साथियों से बातचीत करता रहा। उसके बाद तीनों दहशतगर्द गुवाहाटी चौक की तरफ वापस गए और कुछ देर बाद एक दहशतगर्द अकेले वापस आया और हमला कर दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। एमन मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखल्लिफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।